उसके बाद मैंने कभी साइंस को नहीं छोड़ा। एक टाइम बीच में आया था कि एक मेरा अच्छा दोस्त था, अच्छा कहें या बुरा कहें, मुझे साइंस लेके चला गया था कि चलो रहने दो, अब साइंस में कुछ नहीं है, क्योंकि सर का ऑपरेशन हुआ था तो सर ने कुछ दिन के लिए कोचिंग बंद कर दी थी। तो वो मुझे लेके गया था, एक पास में ही कोचिंग थी वहाँ लेके गया था, क्योंकि सर को सब बर्बाद करने के लिए आए थे वहाँ पे जो टीचर थे, एक एक करके सारे टीचरों ने साथ छोड़ दिया था सर का। उसके बाद मैं भी बातों में आ गया, मैं भी चला गया वहाँ पढ़ के। देखा 1 महीने बढ़िया अच्छा ही नहीं लगा, टीचर जैसे लगे ही नहीं कि कोई टीचर पढ़ा रहा वहाँ पे। एक दिन मैं यहाँ से कटरा से जा रहा था, तो सर रास्ते में आ रहे थे, पैदल ही आ रहे थे। उस टाइम सर गाड़ी शायद चला नहीं पाती होंगी या चला नहीं रहे थे, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था सर का। तो सर मुझे यहीं पे तिवारी टोरी की घाटी पर मिले, तो मैंने सर के पैर छुए, सर से पूछा, तो सर ने बोला पश्चिम ऐसा ऐसा है, ऑपरेशन हुआ और सारे टीचर लोग चले जा चुके हैं। तो मैंने उसी दिन सोचा कि मुझसे गलती हुई थी जो मैं छायांश को छोड़ के, क्योंकि छायांश मेरी माँ के बाद दूसरी माँ थी जिसने मुझे 0 से लेके आज हीरो बना के रखा। तो उसी दिन सर से बोल दिया था, सर मैं कल से फिर से आऊँगा कोचिंग। तो सर बोले हाँ आ जाना। यहाँ आके देखा, पहले जो 200-300 लोग रहा करते थे, वहाँ सिर्फ 30-40 बचे थे, ज़्यादा थे ही नहीं। और जैसे ही मैं आया तो मेरे साथ मेरे और दोस्त आने लगे। भगवान की इतनी अच्छी कृपा हुई, छायांश वैसी की वैसी हो गई। बाकी की जो छायांश की कॉपी करते थे, जो नाम रखते थे छायांश वाला, जो ड्रेस पहनते थे छायांश वाली, जो और अलग से कोचिंग खोले थे, सारी बंद हो गई, सिर्फ छायांश रह गई। और छायांश हमेशा रहेगी भी। तो